तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। नया दिन, नया ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह से। तो सुबह के अभी बजे हुए 6:10 और कुछ इस तरह की लोकेशन में मैं हूँ अभी। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं सुबह सुबह का, जो यहाँ पर देखने को काफ़ी सुंदर व्यू है। और सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। तो कुछ इस तरह का व्यू मैं अभी हूँ। और अभी अभी मैं आया था मॉर्निंग वॉक में और मुझे दिखा यहाँ काफ़ी सुंदर व्यू, और आपको भी दिखाता चलता हूँ। और मेरी मॉर्निंग वॉक चली अभी, और सुबह के अभी बजे बजे जस्ट 6:10। तो आज फिर से मेरा व्लॉग मॉर्निंग से शुरू हो चुका है। और व्यू तो आपने देख ही लिया किस तरह का है। सुबह सुबह काफ़ी मस्त व्यू रहता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया मौसम बना है आज मॉर्निंग का। पहुंच चुका हूँ अब रूम में। और आपने देखा ही आजकल पहाड़ों में किस तरह से रहता है सुबह सुबह का मौसम, जो काफ़ी मस्त लगता देखने को। तो आज धूप नहीं आई, जैसे कल सवेरे धूप आ चुकी थी। आज थोड़ा थोड़ा बादल है बाहर, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप, आज थोड़ा थोड़ा बादल है और व्यू कुछ इस तरह से आज। और एयरपोर्ट के लिए गाड़ी जा रही है अभी। और बाकी देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का मौसम है आज। तो इस तरह से आज बाहर का मौसम, और आज धूप नहीं है, आज थोड़ा बादल है। और शाम से लेकर मौसम ऐसा ही, थोड़ा सुबह भी ऐसे था, लेकिन सुबह लग रहा था कि धूप आ जाएगी, पर अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन आ सकती है, ऐसा कोई पता नहीं। The next day. तो गाइस, नेक्स्ट सुबह, और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और हर हर महादेव। तो कल का ब्लॉग जो पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गया था काम में, उस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया था। तो आज करेंगे फिर से कंटिन्यू। और आज जो व्यू काफ़ी ज़्यादा मस्त बना बाहर, और सुबह सुबह ही आज काफ़ी बढ़िया धूप लगी थोड़ी देर के लिए, फिर बादल फिर से वैसे जैसे कल मॉर्निंग में था, तो आज भी ऐसा ही है। तो चलते बाहर और देखते हैं किस तरह का व्यू है। लेकिन उससे पहले क्या करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना यार, कर दो यार, कुछ नहीं जाता, सपोर्ट करो अपने भाई को। तो भाई साहब, सवेरे सवेरे बंदर ही बंदर यहाँ है, और सुबह सुबह इन्होंने यहाँ पंख उछाया हुआ है, देख सकते हैं आप। और व्यू देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे। भाई डर लगता है वो देख के। गाइस, यहाँ पर काफ़ी दिनों से बंदर ही बंदर हो गए, और इनसे लगता डर ये कई बार ऊपर को भी कर देते हमला, तो इनसे रहना पड़ता बच के, इनको देखना नहीं पड़ता ज़्यादा। अगर इनको देखने लगे तो ये तो कर देते काम अपना शुरू। तो बाकी बनाते हैं अभी ब्रेकफास्ट लंच, और हमारा हो जाता है एक साथ ही ब्रेकफास्ट भी लंच भी। तो हम सुबह ही बना देते हैं, सुबह ही खा देते हैं, और उसके बाद जो भी अपना काम होता है उसके लिए रवाना हो जाते हैं। फिर शाम को ही हमारा डिनर होता है, तो बनाते हैं। और आज पहाड़ी डिश बन रही है, तो दिखाता हूँ कैसे बनती है 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट्स। तो इस डिश बनाने के लिए चाहिए आपके लिए प्याज और मिर्चे, बाकी इसमें कुछ नहीं लगेगा, दही लगेगा। तो पहाड़ी डिश बन रही है आज, तो करते हैं कटिंग और बताते हैं आपको उसके बाद कैसे बनेगा। तो कुछ इस तरह से कट कर लिया है, अब डालेंगे इसमें तेल। तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते जितना आपको पसंद है। तो ये देखिए चले गए इसमें तेल। फिर दही को एक बर्तन में निकाल के कुछ इस तरह से, तो इसमें डाल दो थोड़ा सा पानी, बस इतना सा बहुत है। फिर कर लो इसको मिक्स, जब तक ये बिल्कुल लस्सी की तरह निकल गया।
जब तेल पक जाए तो डाल दो उसमें। तो ये हो चुका हमारा रेडी, और कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए, थोड़ा लस्सी की तरह बन जाए। डालना इसमें नमक, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से। मैंने डाल दी 2 चम्मच, और उसके बाद हमने इसमें हल्दी, ब्राउन होने लगा है धीरे धीरे, उसके बाद इसमें आपको ऐड कर देनी है इसमें दही। तो हमारा पहाड़ी डिश खैर हो चुका है रेडी, कुछ इस तरह से बनता है। और जल्दी अगर आपको कहीं जाना हो तो आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बनता है ये, आपने देख ही लिया। तो ये पहाड़ी डिश खैर बोलते हैं इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में, काफ़ी जगह कुछ और भी बोलते हैं इसको, लेकिन हमारे यहाँ पर इसको खैर बोलते हैं। तो ये 5 मिनट में हो जाता है रेडी, सिर्फ 5 मिनट। द नेक्स्ट डे, तो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और इस ब्लॉग को एंड करने के लिए 3 दिन लग चुके हैं, तीसरा दिन स्टार्टिंग में, लेकिन आज ही ब्लॉग से एंड हो रहा है। और थोड़ा सा बिजी रहता हूँ इस वजह से, वो थोड़ा सा हो नहीं पा रहा था। तो करते फिर आज के ब्लॉग को यही एंड। आपने देखी पहाड़ी डिश किस तरह से बनती है, तो इसको 2 मिनट में भी बना सकते हैं आप, बहुत ईजीली बन जाती है। तो इसमें आप जो भी ऐड करना चाहते हैं इसके अलावा वो ऐड कर सकते हैं, और ये खाने के लिए बिल्कुल अच्छी होती है। जैसे कढ़ी होती है पहाड़ी, वैसी ये होती है, लेकिन इसमें बेसन यूज़ नहीं होता, सिर्फ लस्सी यूज़ होती है, और दही हो तो दही यूज़ होता है। तो करते फिर आज के ब्लॉग को यही एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा क्या करना, लाइक करो, शेयर करो, और जो नए जुड़े सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट डाल दे, और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय, टाटा, सी यू।